अब एक उदाहरण लेते हैं कि इन ए ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट ए, कि ऐसा कोई समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है और उसमें जो भुजा दी गई है ए बी 5 सेंटीमीटर और ए सी 12 सेंटीमीटर की, हमें साइन बी टेन बी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो मैं इसका एक चित्र बना देता हूं आपके सामने। देखिए अब चूंकि ए कोण समकोण है, ध्यान रखना जो बिंदु दिया हुआ है समकोण पे उस पर मैंने ए लिख दिया और देखिए यहां मैंने बी लिख दिया और यहां लिख दिया सी। ठीक है, अब देखिए ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो यहां 5 सेंटीमीटर लिख दिया, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कोण समकोण है। अब हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में हम कर्ण पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। तो इस जो हमारा जो बीसी कर्ण है उसको कैसे निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, अर्थात 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग 25 प्लस 144 169 का स्क्वायर रूट, तो बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो कर्ण आया वो 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से मुझे क्या याद करना है, साइन बी। तो सबसे पहले कोण बी को निर्धारित करें, ये कोण बी है। ठीक है, ये कोण बी आ गया, तो कोण बी के सामने की भुजा होती है लंब, तो ये तो परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, और ध्यान रखें कि उस कोण को बनाने वाली दो भुजाएं, कोण कहां बन रहा है, इस बिंदु पर बन रहा है, तो इस बिंदु पर बनाने वाली जो भुजाएं, एक तो ये जा रही है ए बी और एक सी की तरफ जा रही है, तो जो बी ए भुजा होगी वो आधार होगा, ध्यान रखें बेस, और ये कर्ण होगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें कि जिस कोण की बात कर रहे हैं, जिस कोण के हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने, उसके सामने की भुजा लंब होती है और उस कोण को बनाने वाली जो शॉर्टर साइड है अर्थात जो छोटी भुजा है वो बेस के रूप में होगी और लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण के रूप में होगी। इस बात को ध्यान रखें। तो अब देखिए मुझे मान चाहिए साइन बी का, और साइन चूंकि अनुपात होता है लंब और कर्ण का, तो लंब क्या है हमारा देखिए AC और कर्ण क्या है BC, तो 12/13। इसी तरह मुझे मान चाहिए टेन बी का, अब टेन बी बराबर अब चूंकि टेन होता है लंब बटे आधार, तो देखिए लंब क्या है भाई AC, आधार क्या है AB। अब चूंकि AC का मान कितना है 12 और AB का मान कितना है 5। ठीक है, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अभी देखिए अब यहां चूंकि B नहीं है, अब क्या है cos C, तो देखिए ध्यान रखिए अब कोण बी का मतलब नहीं है, अब बात करेंगे कोण सी की। तो देखिए कोण सी के जस्ट अपोजिट साइड देखिए, अब जिस कोण के निकाल रहे हैं ना त्रिकोणमितीय उसकी जस्ट अपोजिट साइड देखिए, और जो जस्ट अपोजिट साइड जो भुजा है वो क्या होती है परपेंडिकुलर। तो अब चूंकि बी की बात नहीं कर रहे हैं कोण सी की बात कर रहे हैं, तो सी के लिए ए भी भुजा क्या होगी लंब होगी परपेंडिकुलर होगी, और कोण सी को बनाने वाली जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज कर्ण के रूप में, और जो शॉर्टर लेंथ है जो 12 सेंटीमीटर है अब ये किसके रूप में कार्य करेगी बेस अर्थात आधार के रूप में कार्य करेगी। तो अब ध्यान रखें लंब और आधार की स्थितियां बदल गई है, कोण बदला लंब और आधार की स्थिति भी बदल गई। तो अब मुझे क्या याद करना है कॉस सी, फर्स्ट चीज कॉस सी और कॉस सी क्योंकि कॉस होता है आधार और कर्ण का अनुपात, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और बेस अब कितना है, अब बेस है AC और कर्ण के रूप में क्या है BC, तो देखिए AC कितनी है 12 और BC कितनी है 13, ये हमारा आंसर हुआ। दूसरा उदाहरण लेते हैं कि यदि कोसेक ए बराबर 2 सेंटीमीटर हो,
यानी सॉरी कोई भी अनुपात हो सकता है, तो वो मतलब कोई भी यूनिट हो सकती है। तो हमें याद करना है 1 अपॉन टेन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ध्यान रखना, देखिए कोसेक ए दे रखा है तो सामने वाला कोण ए होना चाहिए। अब जैसे एक त्रिभुज यहां पहले से ही बना हुआ था, तो इसमें जो कोण ए ऊपर दिया गया है, तो प्रयास ये करें कि सामने आ जाए, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है वैसे। तो मैं क्या करता हूं कि ए और सी की स्थिति को बदल देता हूं, तो ए यहां रख देता हूं और सी यहां हो जाएगा, तो ये कोण ए। ठीक है, अब देखिए कोसेक बराबर क्या होता है, पहले तो ये ध्यान रखिए कोसेक बराबर क्या होता है, किसका अनुपात, ये साइन का व्युत्क्रम होता है, और साइन बराबर क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, तो कर्ण बटे लंब अर्थात हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर। ठीक है, आप देखिए क्योंकि इसके सामने की भुजा ये है, इसलिए ये परपेंडिकुलर हुआ, कोण को बनाने वाली भुजा बेस, ये बेस हुआ आधार और ये हमारा कर्ण। ठीक है, अब देखिए इसका मान कितना है, दो। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2/1, अर्थात कर्ण कितना है, दो, और ये परपेंडिकुलर कितना है, एक। तो मैं क्या निकाल सकता हूं, बेस निकाल सकता हूं इस समकोण त्रिभुज का। तो ए बी बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2² - 1² पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए, तो 4 - 1 = √3। तो बेस हमारा कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, अब मान रखिए देखिए 1/tan A, तो पहले मुझे tan A और cos A sin A का मान, तो हम यहीं से निकाल लेंगे कि 1/2 हो जाएगा, इनके मान निकाल लेते हैं। तो देखिए इस चित्र से अब tan A का मान, तो टेन बराबर क्या होता है, लंब और आधार का अनुपात, तो लंब क्या है, एक, आधार कितना है, √3। इसी तरह कॉस ए का जो मान होगा आधार बटे कर्ण, तो √3/2। ठीक है, अब मान निकालिए, तो 1/tan A, अब क्योंकि टेन ए का मान 1/√3 है, तो 1/1/√3, तो √3 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो √3 + साइन ए का मान रखिए कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, 1 + कॉस ए का मान क्या आ जाएगा, √3/2। तो देखिए इसको सरल कीजिए, √3 + 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए 2 + √3, 2 लघुत्तम इसका आ जाएगा, तो 2 + √3 और √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहां इसको हमें सरल करना है, और अंडर रूट को यहां से हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कि इसके विपरीत चिन्ह वाली संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको कैसे सरल कर सकता हूं मैं, कि √3 + 1/2 + √3, अब मैं गुणा कर क्या कर देता हूं, ठीक है, विपरीत चिन्ह वाली संख्या से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो देखिए √3 + ऊपर 2 - √3 / नीचे देखिए 2 और √3 एक बार जुड़ रहे हैं और एक बार घट रहे हैं। तो आप जानते हैं कि जब दो संख्या एक बार जुड़ रही हो, एक बार घट रही हो, तो पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग, अब पहली संख्या के रूप में दोनों में क्या है, 2, 2 का वर्ग क्या होता है, 4, माइनस दूसरी संख्या के रूप में है √3 और इसका वर्ग क्या होगा, 3। अंडर रूट और वर्ग आपस में कट जाते हैं, तो देखिए क्योंकि 4 - 3 होगा 1 और 1 का भाग देने पर यही संख्या बचेगी, तो संख्या क्या बची भाई, √3 + 2 - √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2। एक और उदाहरण लेते हैं, 16 cot A = 12 हो, तो sin A + cos A / sin A - cos A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसको हम कई विधियों से सरल कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ क्या है कि 16 cot A = 12, तो cot A का जो मान होगा वो हो जाएगा 12/16। ठीक है, अब एक विधि तो है कि चूंकि cot हम जानते हैं कि tan का व्युत्क्रम होता है, अर्थात tan
टेन होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, तो आधार का मान 12 हो जाएगा और लंब का मान 16, और हम आराम से कर्ण निकाल के फिर साइन का और कॉस का, जैसे लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण करके मान याद करके इसमें पुट कर सकते हैं। थोड़ा सा आप अगर दिमाग का प्रयोग करें तो हम देख सकते हैं कि चूंकि कॉट का मान दिया हुआ है और साइन और कॉस को कॉट में बदलना कोई कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि कॉट बराबर क्या होता है कॉस बटे साइन। तो मैं अगर इस संख्या में, ध्यान दीजिए, इस संख्या के या सवाल के अंश और हर दोनों में ही कॉस का भाग दूं या सॉरी साइन का भाग दूं, क्योंकि साइन को भाग देने से क्या होगा, ये साइन से साइन कट जाएगा, कॉस बटे साइन आ जाएगा, तो हो जाएगा कॉट। तो देखिए जो सवाल है आपका कि साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए के प्रत्येक पद को, अंश और हर के प्रत्येक जो संख्या है उसको मैं साइन ए से डिवाइड कर रहा हूं, तो साइन ए अपॉन साइन ए, तो यहां हो जाएगा वन प्लस कॉस बटे साइन आ जाएगा कॉट ए अपॉन, यानी कि वन माइनस कॉट ए। तो ये जो सवाल है पूरा इस रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब मान रख देते हैं कि कैसे मान रखें, देखिए वन प्लस कॉट ए के स्थान पर 12 बटे 16 भाग 1 माइनस 12 अपॉन 16, तो देखिए 16 लघुत्तम अगर लिख दें यहाँ, तो देखिए 16 प्लस 12 भाग यहाँ 16 फिर लघुत्तम आ जाएगा, तो 16 माइनस 12 तो ये 28 बटे 16 गुणा ये 16 ऊपर आ जाएंगे बटे 4, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 28 में 4 का भाग दें तो 7। तो ये बहुत आसानी से ये सवाल सॉल्व हो जाता है।